सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्पेशल तरीके के मल्टीग्रेन पालक पराठा की रेसिपी, जिसमें मैं कुछ अलग और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हूँ। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें आप। तो सबसे पहले मैं एक प्लेट में लेने वाली हूँ एक बॉल मल्टीग्रेन आटा। तो अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटे का मिक्स पहले से नहीं है तो आप गेहूँ, बाजरा, रागी, ज्वार इन सब का यूज़ करके मल्टीग्रेन आटा बना सकते हैं। अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट। साथ ही साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, पालक के पत्ते जिनको मैंने अच्छे से धो के जो है वो कट कर लिया है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता। तो मसालों में सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा, 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, साथ ही साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून काला मिर्च पाउडर। टेस्ट को एकदम बढ़िया करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अजवाइन, तो थोड़ी सी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। तो अब आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। तो अब बारी आ गई है इसमें ऐड करने की वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। तो मैं सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून बेसन, साथ ही साथ इसमें जो एक और चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ वो है बॉयल्ड मीडियम साइज आलू। क्या कर लेंगे हम, आलू को मसल के जो है वो आटे के साथ अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, अब पानी लेकर आप इसको अच्छे से जो है गूंद के डो बना लेंगे इसका। डो तो हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम जो साइड में रख देंगे। उससे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, इस पर थोड़ा सा जो है ऑयल लगाने वाली हूँ ताकि ये सूख ना जाए। बारी आ चुकी है मल्टीग्रेन पालक पराठा बनाने की, जिसके लिए सबसे पहले आप एक आटे का छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, उसको रोटी को जैसे आप बेलते हैं वैसे फ्लैट कर लेंगे अच्छे से एंड सूखे आटे का यूज़ कर लेंगे आप साथ ही साथ। तो कब तक वही सेम आलू के परांठे और गोभी के परांठे हम ब्रेकफास्ट में खाते रहेंगे, तो कुछ ब्रेकफास्ट में चेंज करने के लिए आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं दैट आपको ये मल्टीग्रेन पालक परांठे जो है वो कैसे लगे। तो इसी तरीके से आप अपने सारे परांठे जो हैं वो तैयार कर लेंगे। तो अब बारी है परांठे को पकाने की, तो तवे को आप जो है वो गर्म कर लेंगे एंड लो फ्लेम पे आप इसको पकाएंगे। आप ऑयल जो यूज़ करने वाले हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे से मेरी हर एक न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो लगभग हमारा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से अपने सारे के सारे आप पराठे तैयार कर लेंगे एंड आप इसको सर्व कर सकते हैं बटर के साथ, दही के साथ या फिर अचार के साथ। है ना इजी और बढ़िया रेसिपी। सो आई होप गाइस आपको ये रेसिपी एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।